ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा देवोदास से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर देवताओं की युक्ति भी निष्फल हो गई हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि ऐसे प्रतापी राजा का वृतांत आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनावे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया उसके ऊपर देवताओं ने फिर कोई युक्ति चलाई अथवा लज्जित होकर बैठे रहे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद के मुख से यह वचन सुने तो अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे नारद, तुम परम धन्य हो क्योंकि तुम शिव जी के चरित्र रूपी कथा अमृत को बारंबार पीकर भी तृप्त नहीं होते हो। भला संसार में ऐसा कौन है जो भगवान सदाशिव को कष्ट पहुंचा सके। अब मैं तुमसे संपूर्ण वृतांत कहता हूँ, उसे तुम मन लगाकर सुनो। राजा देवोदास शिव जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिव जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय है तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था, यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। हे नारद, उस राजा देवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म अधर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिवजी का पद पाया। सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधरों को भी पराजित किया था। हे नारद, उसने यक्षों को अनेक प्रकार के अधिकार सौंपे तथा नागों को भी विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। राजा देवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्च स्त्रवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा देवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। उस राजा के शासन काल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया। आकाश पर केवल एक ही इंद्र का साम्राज्य है और वे अपने वज्र द्वारा पर्वतों के पंख काटते हैं, परंतु पृथ्वी पर राजा देवोदास ने अनेक शत्रुओं के मस्तकों को चूर्ण कर दिया था और वह गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा है और वह 15 दिन के अंतर से बढ़ता घटता है, परंतु पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोई भी नहीं था। हे नारद, आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध हैं, परंतु पृथ्वी पर सभी ग्रहों में नवग्रह विद्यमान रहते हैं। आकाश में केवल एक ही स्वर्ण गर्भ अर्थात ब्रह्मा है, परंतु पृथ्वी पर सभी भवन स्वर्ण गर्भ अर्थात स्वर्ण से भरे हुए थे। हे नारद, इस प्रकार राजा देवोदास के राज्य में स्वर्ग से भी सभी आनंद वर्तमान थे। कोई भी मनुष्य धर्म शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहां की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता थीं। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन हिंसक अधर्मी अभिचारी निर्लज्ज चुगलखोर शील रहित तथा असत्यवादी न था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करते थे तथा सभी छोटे भाई निष्कपट भाव से अपने बड़े भाई की सेवा करते थे। सभी सेवक अपने स्वामी की सेवा करना परम धर्म समझते थे और विपत्ति पड़ने पर भी वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते थे। हे नारद, उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्म भोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। कुआ बावली तालाब फुलवाड़ियां उद्यान आदि चारों ओर पाए जाते थे। शिव भक्ति के अतिरिक्त किसी को अन्य कोई कार्य न था।
सब स्त्री पुरुष वेद की आज्ञा का पालन करते थे और उसी के अनुसार आचरण भी करते थे। वे सब शरीर से हष्ट पुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे। किसी को स्त्री पुत्र धन वस्त्र आभूषण आदि का कष्ट नहीं था। राजा देवोदास उन सब में अधिक धनी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। हे नारद, जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु, देवताओं ने उसके राज में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया, तब वे थक कर बैठ गए। राजा देवोदास राजनीति तथा धर्म का महान ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियां और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समय अनुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। हे नारद, जब सब देवता उपाय करके थक गए तथा राजा को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब भी इंद्र को साथ लेकर मेरे पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा राजा देवदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में तीर्थों का पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सकें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, देवदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है, वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना असंभव हो गया है। अस्तु, अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो, वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर मैं सब देवताओं को अपने साथ लेकर श्री विष्णु जी के समीप जा पहुंचा और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोला, हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, राजा देवोदास परम धार्मिक है। यद्यपि मैं स्वयं भी यही चाहता हूँ कि देवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ। परंतु उस समय मेरा कोई बस नहीं चलता है। भगवान सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी हैं। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वे भी देवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। हे ब्रह्मन, राजा देवोदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही एक स्वरूप है। अब तुम्ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि स्वयं शिव जी ही हम पर कोई कृपा करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अस्तु, अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चलें और उन्हें अपना दुख कह सुनाएं। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा मैं सब अन्य देवताओं सहित शिव जी के समीप जा पहुंचे। वहां हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए हो? तुम हमें अपने दुख का कारण सुनाओ। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर सब देवताओं ने कुछ सोच विचार करके यह उत्तर दिया, हे प्रभु, आप राजा देवोदास पर धर्म आरूढ़ होकर सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके राज में सब लोग सुखी हैं। यद्यपि वह आपका परम भक्त है और हम सब देव देवताओं की सेवा में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हठपूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया। अस्तु, आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा देवोदास को राज से पदच्युत करने के प्रयत्न करें। राजा देवोदास के राज त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, राजा देवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का, जो हमारे दूसरे शरीर से समान है, रक्षक है। अस्तु, काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए। परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मग्न रहे
कि उनकी अवस्था मूर्छित के समान हो गई। जब वे चेतन हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे आनंददायिनी काशी, अब तू मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तू मुझे शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मग्न हो शिवजी मूर्छित हो गए। हे नारद, शिवजी की यह दशा देखकर गिरजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोप दृष्टि से प्रलय हो जाता है, आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा देवदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तिदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुनः प्राप्त हो सके तथा सबको शांति मिले। हे नारद, गिरजा की यह वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा देवोदास का अत्यंत आदर तथा सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते हुए समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर ना रहें तभी मैं राज्य को स्वीकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने के हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा देवोदास उस समय से मेरी पुरी की भली भांति रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे वह अत्यंत प्रिय है। भला ऐसी दशा में मैं उसका राज्य किस प्रकार छीन सकता हूँ? तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं मैं उनकी सदैव रक्षा किया करता हूँ। यदि उन्हें कोई कष्ट पहुँचने का प्रयत्न करता भी है तो स्वयं ही दुख उठाता है, इसलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सकती है। हे नारद, इस प्रकार शिवजी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को देखा। तब शिवजी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत आदर से बैठाया, फिर यह आज्ञा दी, हे योगिनीगण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा देवदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिसके कारण वह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो जाए। ऐसा उपाय जब सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी ने योगिनियों को काशी में भेज दिया और आप स्वयं समय की राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया, फिर वे तपस्वियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गईं। उनमें से कोई मालिन बनी, कोई दाई, कोई रसोई बनाने वाली, कोई सामुद्रिक जानने वाली और कोई पुत्र देने वाली। इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियां की, परंतु राजा देवदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब भी सब एकत्रित होकर आपस में यह कहने लगी कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिवजी को किस प्रकार अपना मुंह दिखावें। अस्तु वे 64 योगिनियां मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गईं और लज्जा के कारण शिवजी के पास नहीं पहुंची। ये नारद, जो मनुष्य उन योगिनियों को प्रणाम करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।